कक्षा 10 सेमूसी सौहार्दम प्रकृति शोभा के प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वन राजा है, कई दुर्वस्था प्राप्त है, शेर किन के द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त हुआ? तुच्छ जीवे, तुच्छ जीव यानी छोटे छोटे बंदर है, पक्षी है, उनके द्वारा ये दुर्वस्था को प्राप्त हुआ। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि ना आकुली करोति, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से परेशान करता है? काक है, कौवा, कौवा की आवाज है जो कर्कश होती है, जिससे वातावरण है वो आकुलित हो जाता है या लोग उसे परेशान होते हैं। काक चेष्टा विद्यार्थी किधर से छात्र मन्यते, काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है? आदर्श है, आदर्श। कह आत्मानं बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथेति, कौन अपने को बलशाली विशाल शरीर वाला व पराक्रमी कहता है? गज है, हाथी। बक कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है? वराकार, लाचार या मासूम मछलियों को वो खाता है। अगला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। निसंशयम कह वृतांत मन्यते, निश्चित रूप से कौन यमराज माना जाता है? यह परे वितृष्टान पीड़ियमानान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति, सह वृतांतो अस्ति अस्मिन् को अपि न संशय मन्यते, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित व डरे हुए जंतुओं की शारीरिक रूप से रक्षा नहीं कर पाता वह यमराज माना जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। बक है वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतियतुं कथयति, बगुला वन्य जीवों के रक्षा के लिए किस प्रकार विचार करने के लिए कहता है? बक है शीतले जले बहु काल पर्यंतम अविचले ध्यान मग्न स्थित प्रगे एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयितुं कथयति, बगुला शीतल जल में लंबे समय तक ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के समान बैठकर वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय के चिंतन करने को कहता है। अंति प्रकृति माता प्रविश्य सर्व प्रथमं किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्व प्रथम वदति यत् भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति कथम मिथ्ये क्रह कुर्वन्ति, वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिता सन्ति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके कहती है भो भो प्राणिनः, अरे प्राणियों यूयम सर्वे एव संतते, तुम सब मेरी संतान हो, कथम मिथम कलहम कुरंति, तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीव ने अन्योन्याश्रिता संति, सारे जानवर है, जीव है, वन्य प्राणी है, वो सब एक दूसरे पर आश्रित है। तो प्रकृति माता सबको समझाती है कि तुम आपस में लड़ो मत, सब मेरी संतान हो और सब जीव है वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत, यदि राजा सही नहीं होता तो प्रजा का कैसे विनाश होता है? यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा एकरण धारा जलधौ नेरियु विप्लवेत, यदि राजा सही नहीं होता है तो प्रजा नाविक रहित नाव की तरह डूब जाती है, यानी जब नाव को चलाने वाला नाविक नहीं होता तो नाव डूब जाते, उसी प्रकार अगर राजा अच्छा नहीं होता तो उसकी प्रजा भी सुरक्षित नहीं रह सकती, तो राजा का अच्छा होना जरूरी है। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, मोर किस प्रकार नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? मयूर पिच्छा न दुघाटे नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, मोर पंखों को खोलकर नृत्य मुद्रा में स्थित होता है।
अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राजा अभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर के किसका राज्य अभिषेक करने के लिए तैयार होते हैं। अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राजा अभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर के उल्लू का राज्य अभिषेक करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें मिलित्वा है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, क्यों कत्वा प्रत्यय का तवा शेष रहता है जो कि इसमें दिख रहा है, और कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, तो इसमें है ना मिलित्वा यानी सब मिल करके, तो ये कत्वा प्रत्यय की पहचान है। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं। अस्मिन् नाटके एकादश पात्राणि सन्ति, इस नाटक में 11 पात्र हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित पद्माधृति प्रश्न निर्माण कुरु। रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना यानी जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसी के द्वारा प्रश्न बनाना है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवासीत, तो इसमें स्वरक्षायाम के नीचे अंडरलाइन है, तो जब प्रश्न दिया हुआ है या उत्तर दिया हुआ है, अब इसमें क्या है उत्तर दे रखे अपन को प्रश्न बनाना है, तो ये देखना है कि स्वरक्षायाम में कौन सी विभक्ति है। अगर उस विभक्ति का पता चल जाता है तो अपन को प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये जो स्वरक्षायाम है ये स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति का एकवचन है, तो जब प्रश्न बनाते हैं तो किन शब्द के स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति का एकवचन लगाओ, तो किन शब्द का स्त्रीलिंग का एकवचन है वो कश्याम बनता है, तो सिंह वानराभ्याम कश्याम असमर्थ है एवासी, तो रक्षायाम की जगह अपने कश्याम लगा दिया, तो प्रश्न और उत्तर दोनों की विभक्ति एक जैसी होनी चाहिए। गज वन्य पशुन तुंदतम सुंडेन पोथित्वा मारियती, इसमें सुंडेन के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, तो सुंडेन में है तृतीय विभक्ति, तो जब इसका अपन प्रश्न बनाएंगे तो किन शब्द के पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति का एक चिन्ह लगा देंगे जो बनता है केन, तो इसका उत्तर होगा गज है वन्य पशुन तुंदतम केन पोथित्वा मारियती। वानर है आत्मानम वनराज पदाय योग्य मन्यते, बंदर अपने आप को वनराज पद के योग्य मानता है, तो इसमें वनराज पदाय के नीचे अंडरलाइन है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो किन शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है कस्मै, तो इसमें अपन लगा देंगे वानर आत्मानम कस्मै योग्य मन्यते। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मोर का नाचना प्रकृति की आराधना है, तो प्रकृति है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्या होता है, तो प्रकृति के स्थान पर अपन कस्या लगा देंगे मयूरस्य नृत्यम कस्या आराधना, मोर का नाचना किसकी आराधना है, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। और जब अपने प्रश्न बनाते हैं तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगे, वन्यता परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, तो इसका हिंदी में अपन ऐसे बना सकते हैं कि सभी अंत में किसको प्रणाम करते हैं, तो प्रकृति मात्र में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन काम होता है, तो अपन यहाँ लगा देंगे काम। सर्वे काम प्रणमन्ति, सभी किसको प्रणाम करते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न, शुद्ध कथना नाम समकक्ष आम अशुद्ध कथना नाम च समकक्ष न इति लिखते, शुद्ध प्रश्नों के सामने आम और अशुद्ध के सामने न लिखना है, क्योंकि आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। सिंह आत्मानम तुदतम वानरम मारियति, शेर अपने आप को दुखी करते हुए बंदर को मारता है ना नहीं,
जब बंदर शेर को दुखी करता है तो मारने के लिए दौड़ता जरूर है, लेकिन बंदर उछल करके पेड़ पर चढ़ जाता है, तो इसलिए इसका न उत्तर आएगा। का इति बकशी ध्वनि भवती, का बगुले की ध्वनि होती है। नहीं, क्योंकि का या काव काव तो कौवे की ध्वनि है, इसलिए ये नहीं है। काक पिकयो हो वर्णय कृष्ण भवती, कोवा और कोयल का रंग काला होता है, आम यानी हाँ। गजय लघुकाय निर्बल च भवती, हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है, नहीं, इसलिए यह नहीं आ गया। मयूरे बकशी कारणात पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, मोर बगुले की कारण पक्षी कुल को अपमानित मानता है, आम यानी हाँ। अन्योन्य संयोगेन प्राणी नाम लाभ है जायते, एक दूसरे के परस्पर संयोग से प्राणियों को लाभ होता है, आम यानी हाँ। तो जो सही है उसके सामने आम लगाना है और जो गलत है उसके सामने न भरना है। अगला प्रश्न, मंजूषा समुचित पदम चित्वा रिक्तानि पूरियत, पेटी कामे से समुचित शब्दों को या उचित शब्दों को लेके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। काक है खालिस्तान भवति, तो इसमें से अपन इसमें भरेंगे मेधा मध्य भक्षक है, यानी जो कोवा होता है वो पवित्र और अपवित्र खाने वाला होता है। यहाँ पवित्र अपवित्र का अर्थ है शाकाहारी और मांसाहारी सब चीजों को कौवा खाता है। खालिस्तान प्रभर अपि कथेते, तो इसमें अपन भरेंगे पीके, कोयल है वो प्रभृत यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाली कही जाती है। बके अविचले खालिस्तान तिष्ठति, इसमें भरा जाएगा स्थित प्रज्ञ, बगुला अविचल बुद्धि को स्थिर करके बैठता है। मयूर है खालिस्तान इति नामना अपि ज्ञायते, इसमें भरा जाएगा अहिमुख यानी मोर, अहिमुख यानी सांप को खाने वाला इस नाम से भी जाना जाता है, अहि सांप को कहते हैं। उल्लूक है खालिस्तान पद निर्लिप्त चासी, इसमें भरा जाएगा आत्मश्लाघाहीन, यानी जो उल्लू है वो पद का लोभी नहीं है और न ही अपनी प्रशंसा को वो चाहता है कि कोई मेरी प्रशंसा करे। उल्लू अपनी प्रशंसा से रहित और निलिप्त पद का है। सर्वेशामेव महत्वम विद्यते खालिस्तान, तो इसमें भरा जाएगा यथासंभव, सर्वेशामेव महत्वम विद्यते यथासमय, समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। अगला प्रश्न, वाचे परिवर्तनम कृत्वा लिखत, वाचे परिवर्तन करके लिखो। उदाहरणम, क्रुद्ध है सी है इत स्थित धावती गरजती च है, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है, ये कर्तृवाच्य है तो इसका कर्मवाच्य बनाना है। तो जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता में तृतीय विभक्ति कर देते हैं, तो क्रुधेन सिहेन इत स्थित धाव्यते गरजते च, क्रोधित शेर के द्वारा इधर उधर दौड़ा जाता है और गरजा जाता है। तवया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, ये कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तुम सत्यम वदसि, तुम सत्य कहते हो। सी है सर्व जंतुं पचति, से सभी जंतुओं को पूछता है, ये कर्तृवाच्य है तो इसका कर्मवाच्य बनाएंगे। सिंहेन सर्व जंतु पच्यते, सिंह के द्वारा सभी जंतुओं से पूछा जाता है। काक पिकसे संततिम पालयति, कोवा कोयल की संतान को पालता है, यह कर्तृवाच्य है और इसका कर्मवाच्य बनाना है। काकेन पिकसे संतति ही पालयते, कोवे के द्वारा कोयल की संतान पाली जाती है। मयूर है विधात्रा एव पक्षीराज है वनराज है वाकृत है, मोर विधाता यानी भगवान के द्वारा पक्षीराज और वनराज बनाया गया। मयूरम विधाता एव पक्षीराज वनराजम वा एक्रोध, मोर को भगवान ने पक्षीराज और वनराज बनाया है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी बनाए जा सकते हैं और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य भी बनाए जा सकते हैं। सर्वे खगे को अपि खग एव वनराज
कर्तुम इष्यते सदैव। सभी पक्षी ये चाहते थे कि कोई पक्षी ही जंगल का राजा बने। सर्वे खगा कम अपि खगम एव वनराजम कर्तुम एचन। तो इसका कर्मवाची हो गया, सभी पक्षियों के द्वारा कोई पक्षी वन का राजा होगा ऐसी सबकी इच्छा थी। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्ती। सभी मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य का प्रयत्न करते हैं, यानी प्रकृति को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम क्रियते। तो सभी के द्वारा मिलकर प्रकृति के सौंदर्य का प्रयत्न किया जाता है। ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला है। अगला प्रश्न, समास विग्रह या समस्त पदम वालिकत। समास विग्रह करो या समस्त पद बनाओ। तो जिसका विग्रह किया हुआ है उसका तो समस्त पद बनाना है, और समस्त पद बनाया हुआ है उसका विग्रह करना है। तुच्छ जीवे, तुच्छे जीवे, इसमें तुच्छ है वो जीव की विशेषता है, यानी जीव कैसे हैं तुच्छ है। तो विशेषण और विशेष्य दोनों में समान विभक्ति होती है, तो तुच्छे और जीवे दोनों के आगे विसर्ग लगाया। वृक्षोपरि यानी वृक्ष के ऊपर, तो काके की चिन्ह षष्ठी विभक्ति का होता है, इसलिए वृक्षे ऊपरी। पक्षिणाम सम्राट यानी पक्षियों का सम्राट, तो इसका समस्त पद बन जाएगा पक्षी सम्राट। स्थिता प्रज्ञा यशस्य है, जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञा हो, तो इसका शब्द बन गया स्थित प्रज्ञा, और यह बहुव्रीहि समास है। अपूर्वम इसका विग्रह होगा न पूर्वम, इसमें समस्त पद होता है तब तो ए लगा होता है, और इसका विग्रह करते हैं तो न लगा देते हैं, इसमें न समास होता है। व्याघ्र चित्र का, व्याघ्र और चित्र का यानी बाघ और चीता, तो यह है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में चय लगता है, और हिंदी में उसका अर्थ और होता है, जैसे बाघ और चीता, तो संस्कृत में चय का अर्थ और होता है, तो इसका अपन विग्रह करेंगे। व्याग्रह चय चित्र कह चय। तो जब विग्रह करते हैं तो आपको समास का ज्ञान होना जरूरी है।